उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। मल्लावा थाना क्षेत्र इलाके में घर के बाहर सो रहे परिवार पर बालू से भरा ट्रक पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हुई है। इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जेसीबी और हाइड्रा की मदद से ट्रक के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला। मल्लावा थाना क्षेत्र के कटरा बिल्होर मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे उस परिवार को क्या पता था कि यह रात उनकी आखिरी रात होगी। वो खुशी खुशी एक साथ खाना खाए और फिर घर के बाहर सो गए। तभी अचानक देर रात ओवरलोड बालू से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर के बाहर सो रहे परिवार के ऊपर पलट गया, जिससे एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। घटना से इलाके में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी का रेस्क्यू शुरू किया। वहीं जेसीबी और हाइड्रा की मदद से ट्रक के नीचे दबे सभी शवों को बाहर निकाला गया। घटना में सिर्फ एक मासूम बच्ची बच पाई, जो घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना जिसने भी सुनी वह घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी व जिला अधिकारी मंगला प्रसाद ने पहुंचकर मौका जायजा लिया और आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे सभी शवों को निकलवाकर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ट्रक से हुआ है बस साहब, ट्रक आया बस पलट गया, जहां लड़ा बस गिर गया ट्रक, 8 लोग को बस ट्रक के नीचे दबे साहब। हाँ, दबके मरे साहब। 8 लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों की मौत हो गई साहब। घरे के हैं थे साहब। किस वक्त की घटना है? 1 बजे की। कौन कौन था परिवार में? परिवार में बिटिया दामाद, भाई, लड़के, भतीजे सब। कहाँ के रहने वाले तुम? यहीं के। 40-50 साल का घर नहीं ज्यादा है, बुजुर्ग बुनियाद। मोहम्मद खालिद खान, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका मल्लावा। ये 8 बजे का वाकया है। बालू लदा ट्रक जो पता नहीं नशे में था या अगर नींद की झपकी आ गई, सड़क के किनारे हमारे वहाँ पे कुछ नट बरादरी के लोग जो करीब 100 साल क्या 70-80 साल जो हमारे मतलब देखते देखते वो वहीं पर रह रहे हैं। 8 आदमी मौके पे ऑन स्पॉट खत्म हो गए। जब हम घर से निकल के वहाँ मौके पे पहुँचे तो एक बच्ची 3-4 साल की वो नीचे दबी हुई थी, उसकी आवाज़ आ रही थी रोने की। तो हमने फौरन लोगों को नीचे घुसेड़ के किसी दूसरे से उस बच्ची को निकलवाया। आज घटने के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जेसीबी वगैरह बुलवा के वो बालू वालू हटवाई, उसमें से 8 लाशें जो थी वो लदवा के हॉस्पिटल भिजवाई। आज सुबह जो है हॉस्पिटल से उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कैसे घटना हुई थी, क्या घटना का कारण क्या रहा? घटना का कारण यही रहा कि वो बालू लदा ट्रक था। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ड्राइवर नींद में था या वहाँ पे ब्रेकर बना हुआ है, डिसबैलेंस होने की वजह से वो पलट गया या ड्राइवर नींद में झपकी के कारण पलट गया। और वो लोग सड़क के किनारे इस वजह से लेटते थे कि रात में गर्मी का मौसम था, हवा की वजह से सड़क के किनारे चारपाइयाँ डाल लेते थे सारे, मैं पूरे परिवार के। सड़क से दूर नाली के किनारे ही, मतलब ये भी नहीं था कि सड़क के अंदर हों, सड़क के बाहर नाली छोड़ के लेटते थे। वो तक ही ऐसे मौके से पलटा कि वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक उनकी चारपाइयाँ या जो लेटे हुए थे उसकी वजह से। मरने वालों में बच्चे कितने हैं और कितने बुजुर्ग? मरने वालों में बच्चे तो हैं नहीं, सब सयाने ही हैं। एक दो बच्चे छोटे, एक जो माँ थी उसकी गोद के बिल्कुल एक पास में ही बच्चा लेटा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, और बाकी उम्रदराज लोग थे। तरह की हादसा हुआ है, किस चीज़ पर ये ट्रक वगैरह पलटा है और क्या वजह हादसे की और क्या कार्रवाई की जा रही है? रात में करीब 1 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटे से बच्चे घायल हुए हैं। अभी हम लोग घटनास्थल पर ही देख रहे हैं कि घटना कैसे हुई,
जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ड्राइवर वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि घटना कैसी हुई और कहाँ से कहाँ जा रहा था।